हाई एवरीबडी, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का वीडियो हर वीडियो से थोड़ा सा अलग है क्योंकि आज का वीडियो है अबाउट स्टाइलिंग। सो मैंने ये बैग रिसीव किया है फ्रॉम ज़ूक और आज हम करेंगे 3 आउटफिट एंड 1 बैग चैलेंज। सो मैं इस बैग को स्टाइल करके दिखाऊंगी आपको विद 3 आउटफिट्स। सो बिना ज़्यादा देर किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैंने रिसीव किया ये बहुत ही खूबसूरत सा मैंगलोर ब्लॉसम स्लिंग बैग फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड ज़ूक। देखने में ये बैग भले छोटा लगता है बट इट इज सुपर स्पेशियस। एक मेन जिप आपको मिलती है, उसके अंदर 3 कंपार्टमेंट्स आपको मिल जाते हैं, प्लस बैग के पीछे भी एक जिप मिल जाती है। आप इसमें बहुत सारा सामान आराम से रख सकते हो। सो दिस इज लुक नंबर 1। यहाँ पे मैंने एक ड्रेस पहना है और उसके साथ इस बैग को स्टाइल किया है एंड लुक एट द कलर एंड द प्रिंट। इस ड्रेस पर मैंने इसे नॉर्मल बैग की तरह कैर किया है। सो दिस इज लुक नंबर 2 जहाँ पर मैंने स्लिंग बैग को स्लिंग बैग की तरह कैर किया है। प्लस इसकी जो एडजस्टेबल स्ट्रैप है वो आपको बहुत हेल्प करती है टू एडजस्ट द लेंथ ऑफ द बैग अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल एंड योर विश। सो इसी लुक में मैंने इसे दूसरी तरीके से भी स्टाइल करके दिखाया एंड दिस इज लुक नंबर 3। पर्सनल मेरा फेवरेट इंडियन वेयर के साथ में। इस लुक के लिए मैंने इसे थोड़ा और लंबा किया बिकॉज मुझे पर्सनली लगा कि थोड़ा और लॉन्ग होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। द बैग इज सो वर्सेटाइल कि आप इसे किसी भी लुक के साथ में कैरी कर सकते हो, इंडियन और वेस्टर्न। प्लस ऑल द बैग्स फ्रॉम ज़ूक आर हैंड क्राफ्टेड जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऑल्सो ज़ूक इज प्राउडली इंडियन, पीटा अप्रूव्ड एंड क्रूएल्टी फ्री टू। सो ये थे 3 डिफरेंट आउटफिट लुक्स विद जस्ट 1 स्लिंग बैग। इन तीनों में से आपको सबसे अच्छा लुक कौन सा लगा डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मैं तीनों लुक्स यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगी, 1, 2, 3 करके लेबल कर दिया है तीनों लुक्स को। तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा। ऑल्सो अगर आपको बैग पसंद आया हो ना तो जरूर से ज़ूक की वेबसाइट को चेक कीजिएगा, लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हो YTVART10 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। सो यही था आज के वीडियो के लिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।